हेलो दोस्तों, मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं तो बहुत खुश हूँ और मैं आज बहुत ज़्यादा थकने वाली हूँ। पहले बताती हूँ, सामान देख सकते हो आप लोग, एक दो मतलब टॉवेल के नीचे 3 बोरियाँ हैं, नीचे और सामान है। तो ये सब सामान मैंने क्यों निकाला है, तो मेरा शिफ्टिंग हो रहा है क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ से बहुत दूर रहते हैं, उनको आने में 3.5 घंटा लग जाता है। तो हर सैटरडे को आते हैं, फिर संडे को चले जाते हैं, और अभी बारिश का भी मौसम है तो खुद ड्राइव करते तो डर लगता है एक तरह का। तो मैं वहाँ शिफ्ट हो रही हूँ उनके साथ, तो पूरी शिफ्टिंग में तो वैसे भी दिखाऊंगी आप लोगों को। तो दिन की ओर बढ़ते पहले चाय पानी कुछ कर लेते, फिर जब गाड़ी आएगी तब तो उसमें सामान उमान डाल देंगे। इस कमरे का मैं कुछ भी नहीं लेके जाने वाली हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये लेके जाने वाली हूँ, क्योंकि ये भी बहुत भारी है और ये भी बहुत भारी है और ये तो उससे डबल भारी है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ये फ़ोटो लेके जाओ साथ में, क्योंकि वहाँ पे एक है और नीचे में भी एक है, तो ये लेके जाओ साथ में। तो कोशिश करूँगी लेके जाने का। मेरा पूरा सामान पैक हो चुका है, देख के मुझे बहुत उदासीन महसूस हो रही है, क्योंकि जहाँ पे रहने के आदमी जाती है वो घर छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। नीचे शायद गाड़ी आ चुकी, तो चलो हम लोगों को सामान रखना है। मैंने लॉक कर दिया है सब कुछ, चाबियाँ मेरे मेरे पास ही होती है, तो सामान वगैरह भरते हैं नीचे अभी। जब मैं सिटी में आ गई ना, तो मैंने गाड़ी रुकवा के ये खाने की बड़ी ख्वाहिश की, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैंने ये देखा और खाने का मन किया। तो ये तल के जब रेडी हो जाता है तो कुछ इस तरह से पतला हो जाता है, तब नहीं देखने में अच्छा लगता है, क्या बताऊँ, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। मुसीबत कब गले पड़ जाए बता ही नहीं सकते। गाड़ी पंचर हो चुकी है, अभी मैं वेट कर रही हूँ गाड़ी कब पंचर निकलेगा। जिस सिटी में मेरे हस्बैंड ड्यूटी करते हैं ना, उस सिटी में आते आते हम लोगों को रात हो गई और बारिश भी हो रही है, और सामने जो रेड लाइट दिख रहा है वो मेरे हस्बैंड की बाइक है, तो उनके पीछे पीछे हम लोग जा रहे हैं। तो भाई कुछ इस तरह से मेरा रूम है, पूरा सामान हम लोगों ने उतार लिया, और सच कहूँ तो छोटा सा घर है, दो लोगों के लिए छोटा ही घर बहुत बड़ा हो जाता है। लगभग रात के 12 बज गए और अभी मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि ये सब सामान है ना मैं सवेरे सेट करूँगी। मुझे नींद इतनी ज़्यादा लग रही क्योंकि ट्रैवलिंग करके बहुत ज़्यादा सर दर्द होने लगा है मेरा। तो चलो दोस्तों, आपसे मिलते नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।